नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ लक्षिका। एक नजर छत्तीसगढ़ प्रदेश की अहम खबरों पर। सोनिया को विषकन्या कहने पर कांग्रेसी दर्ज कराएंगे FIR। CM भूपेश बोले, हर बार सोनिया गांधी को टारगेट किया जाता है। अरनपुर नक्सली वारदात में शहीद हुए 8 जवान पहले थे नक्सली, नक्सलवाद छोड़ने के बाद वे सभी पुलिस बल में शामिल हुए थे। IS अनिल टुटेजा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में गिरफ्तारी पर लगाया रोक, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। कोरबा में 5 थाना प्रभारियों का तबादला, विवेक शर्मा दर्री से श्यांग थाना ट्रांसफर, अविनाश सिंह बने दीपका TI, चमनलाल सिन्हा को दर्री थाने का प्रभार। बिलासपुर में चलती स्कूटी पर कपल का रोमांस वीडियो हुआ वायरल, आधे घंटे के भीतर कटा 8,800 रुपए का चालान। रायपुर रेलवे स्टेशन के होटल में लगी भीषण आग, रात 2 बजे तेज आवाज के साथ हुआ धमाका, बाल बाल बची लोगों की जान। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 3 की मौत, 397 नए केस, अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2,666, पॉजिटिविटी दर 7.50%। छत्तीसगढ़ के बीरनपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पिता बेटे की हत्या के भी 9 और आरोपी अरेस्ट। बालोद में ट्रक कार की टक्कर से 3 की मौत, 3 गंभीर, नई कार खरीदकर पूजा कराने गए थे डोंगरगढ़, हादसे में पिता बेटी और दादी ने तोड़ा दम। प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश, रायपुर दुर्ग बिलासपुर धमतरी बालोद समेत कई जिलों में तेज आंधी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।